अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मोहम्मद इमरान फ्रॉम सिटी पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू टीच चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1। विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये मैं लाइन लगा रहा हूँ, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये क्या होता है पहले इसको समझते हैं कि सम ऑफ द रूट्स क्या है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है। तो सबसे पहले देखें, ये एक इक्वेशन है मेरे पास, रूट्स को समझते हैं कि रूट्स क्या है। ये एक इक्वेशन है मेरे पास, इस इक्वेशन को मैंने बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व किया है। ये इसके फैक्टर बने हैं एक्स प्लस एक्स, फिर ये इसमें से कॉमन आया, फिर ये दो फैक्टर बन गए, दोनों को बारी बारी जीरो को इक्वल रखा और दोनों की वैल्यू निकाल ली, ये माइनस वन, इधर भी आंसर आ गया माइनस वन। ये मैंने दो आंसर निकाल दिए। ये जो दो आंसर निकाले हैं मैंने, ये दोनों रूट्स हैं, रूट्स वो है माइनस वन माइनस वन। ये जो दो आंसर निकले हैं ये रूट्स हैं। पहले तो ये समझ आ गई कि रूट्स क्या होते हैं। जब भी हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद जब दो आंसर निकलते हैं, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से जो दो आंसर निकलते हैं वो दोनों रूट्स हैं। रूट्स क्लियर हो गए। उसके बाद सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स होगा अगर ये दोनों रूट्स निकले हैं, सम ऑफ रूट्स, तो इन दोनों को प्लस कर दें, क्या होगा माइनस वन प्लस माइनस वन, आंसर आएगा माइनस टू। ये होते हैं सम ऑफ द रूट्स। फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दोनों रूट्स हैं माइनस वन मल्टीप्लाई बाई माइनस वन, आंसर आ गया प्लस वन, ये इनका प्रोडक्ट है। लेकिन ये हमने जो मेथड किया है ये सॉल्विंग है, इसको हमने इक्वेशन को सॉल्व किया है। पहले हमने इक्वेशन को सॉल्व किया, फिर उसके दो आंसर निकाले, सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ये तो तरीका है सॉल्विंग का, लेकिन हमारा क्वेश्चन है विदाउट सॉल्विंग, हमारा क्वेश्चन है विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके लिए दो फॉर्मूले, अगर हमने विदाउट सॉल्विंग हमने सम निकालना है और प्रोडक्ट निकालना है विदाउट सॉल्विंग, इस तरह तो इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है। ये तो मैंने इजी वाली इक्वेशन ली है, बाज़ुकात बहुत मुश्किल मुश्किल इक्वेशंस होती हैं, बड़ा वो दो दो पेज उसको पहले सॉल्व करने में लग जाते हैं, फिर कहीं जाके रूट्स मिलते हैं, और अगर रूट्स मिलते हैं फिर उनको सम करेंगे तो सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, वो होता है लॉन्ग मेथड। एक इसका शॉर्टकट मेथड है और वैसे भी उसी का जिक्र है, विदाउट सॉल्विंग। विदाउट सॉल्विंग एक शॉर्ट मेथड है जिससे हम डायरेक्ट इनका सम भी निकाल सकते हैं रूट्स का और प्रोडक्ट्स भी। जैसे मैंने अभी ये जो इक्वेशन लिखी थी इसका मैंने जो सम निकाला है वो आया था माइनस टू और प्रोडक्ट आया था प्लस वन। इक्वेशन ये थी हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन थी। इसका सम ऑफ द रूट्स ये निकला है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब हम शॉर्टकट जो हमारे पास मेथड है सम ऑफ रूट्स निकालने के लिए, तो देखें मैं लेट कर लेता हूँ, लेट अल्फा बीटा, ये अल्फा होगा ये बीटा, आर अल्फा बीटा आर रूट्स, रूट्स अगर हम लेट कर लेते हैं ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स क्या है अल्फा बीटा है, तो फिर सम का सम ऑफ द रूट्स जो होगा, सम जो होगा वो क्या होगा अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ द रूट्स होगा कि ये जो दो रूट्स हमने लेट कर लिए हैं, उससे हमने लेट कर लिए कि इसका एक रूट अल्फा निकला है एक बीटा, तो रूट्स मैंने बताए हैं जो एंड पे आंसर निकलते हैं वो होते हैं, तो सम ऑफ द रूट्स होगा अल्फा प्लस बीटा। इसका फार्मूला है माइनस का बी ओवर ए, फार्मूला क्या है माइनस का बी ओवर ए, इसको हम अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे, ये सम ऑफ रूट्स होते हैं, लिखेंगे हम अल्फा प्लस बीटा, तो हम सम नहीं लिखा करेंगे, हम अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे।
और ये इसका फार्मूला है माइनस का बी ओवर ए। आपको पता है बी जो होता है वो जो भी एक्स के साथ कोएफिशिएंट होता है वो बी होता है, तो ये माइनस कोएफिशिएंट है 2 ओवर इसका कोएफिशिएंट 1 है, ए जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो आंसर कितना आ गया माइनस 2। तो देखें यही हमारा सम ऑफ द रूट्स था पहली बात। फिर आ जाता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा बीटा, मतलब दोनों दोनों रूट्स को हमने लेट कर लिया हुआ है अल्फा बीटा, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा। इसका भी फार्मूला है वो होगा सी ओवर ए। तो सी आपको पता है जो कांस्टेंट वैल्यू होती है क्वाड्रेटिक फार्मूले में वो सी है, और ये 1, तो 1 ओवर 1 1, तो देखें ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी वही निकले हैं। तो इसका मतलब है हम शॉर्टकट मेथड से सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएंगे अल्फा प्लस बीटा, फार्मूला माइनस का बी ओवर ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होंगे अल्फा बीटा, फार्मूला सी ओवर ए। तो ये आज का हमारा टॉपिक होगा सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा, वो माइनस का बी ओवर ए और अल्फा बीटा सी ओवर ए। ये विदाउट सॉल्विंग हम किसी भी इक्वेशन के सम ऑफ द रूट्स निकाल सकते हैं और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल सकते हैं। हम रूट्स नहीं निकाल सकते लेकिन उनका सम निकाल सकते हैं, हम रूट्स का प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आ गई होगी। हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन दी है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये है। तो हमें दो चीजें चाहिए, सम एंड प्रोडक्ट। तो पहले तो लेट कर लें इसको, हर बार लेट करेंगे, लेट अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा है, तो सम ऑफ द रूट्स फिर क्या होंगे अल्फा प्लस बीटा, फार्मूला क्या है माइनस का बी ओवर ए। तो माइनस अपनी जगह पे है, बी क्या है माइनस का 5 ओवर ए क्या है 1, तो आंसर आएगा प्लस का 5। सम ऑफ द रूट्स मिल गए, फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा वो होगा सी ओवर ए। सी क्या है 3 और ए क्या है 1, आंसर आ गया 3। तो ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बस यही काम था, सम ऑफ द रूट्स निकालने थे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालने थे, फार्मूला लिखा माइनस का बी ओवर ए, बी आपको पता है जो एक्स के साथ होता है वो बी है, तो माइनस 5 बी की जगह पे, और सी ओवर ए जो कांस्टेंट होता है वो सी है और ए 1 है नीचे। तो इस तरह ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, 2 और 3, इसका मतलब पहले क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2, 3 आप सॉल्व करेंगे, मैं पार्ट नंबर 4 और 5 सॉल्व करने लगा हूँ। तो देखें मुझे दो चीज़ें चाहिए, पहले लेट कर लूँगा, लेट अल्फा बीटा आर रूट्स, तो फिर अल्फा प्लस बीटा फार्मूला माइनस का बी ओवर ए माइनस इंटू माइनस ए ओवर ए प्लस बी, ए एक्स स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू होगी, तो ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस ए ओवर ए प्लस बी। इसी तरह अल्फा बीटा सी ओवर ए, ये आ जाएगा बी ओवर ए प्लस बी, बस ये आंसर आ गया। फिर देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास 5 वाला क्वेश्चन है, लेट कर लें, लेट अल्फा बीटा आर रूट्स, तो फिर अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, फार्मूला माइनस का बी ओवर ए माइनस एम एम प्लस एन ओवर एल प्लस एम। तो ये माइनस की वजह से अंदर के साइन भी आप चेंज कर सकते हैं, माइनस एन ओवर एल प्लस एम, और फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा, फार्मूला ओवर ए सी क्या है ये n माइनस एल, जो भी कांस्टेंट वैल्यू होती है वो सारी c होती है, और a की जगह पे आएगा l प्लस m, जो x स्क्वायर के साथ है वो a है। तो इस तरह ये भी
क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसके लास्ट टू पार्ट है, उनमें से मैं एक सॉल्व करूंगा और एक आप सॉल्व करेंगे।